It's a big sale that has started on Amazon. Great Republic Day sale is live on Amazon. So आपको जो सारे products हैं वो काफी अच्छे discount में मिलने वाले हैं. So grab your products right now. हेलो अस्सलाम नमस्ते यू गाइस. सो प्लीज इग्नोर माय थ्रोट क्योंकि आज मैं थोड़ी डिफरेंट साउंड करने वाली हूँ. आई हैव सम थ्रोट इश्यूज. सो या आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्रंच लेट आउटफिट लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है फ्रॉम अमेजोन. मैंने अमेजोन से कुछ आउटफिट एंड एक्सेसरीज वगैरह की शॉपिंग करी है एंड आई हैव क्रिएटेड दिस परफेक्ट ब्रंच लेट आउटफिट लुक. सो वॉच द वीडियो टिल एंड टू सी हाउ द लुक हैज बीन क्रिएटेड. सो चलिए आज की वीडियो यहीं शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले. Let's get started. So yeah, let's start with the outfit. जो मैंने clothing piece order करी है for to create this look, वो है ये blue color का jumpsuit. This is the jumpsuit that I got from Amazon. और ये आप देख सकते हो full length का jumpsuit है. It comes up to your ankle as per your height. जैसे आपकी height होगी उस टाइप से इसकी आपकी length होगी. सो ये जो है इसमें आप देख सकते हो वेस्ट में बेल्ट के लिए बेल्ट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है. ये वाला बेल्ट आता है इसके साथ. सो आप एज यू विश आप ये वाला बेल्ट यूज करो या फिर आप डिफरेंट बेल्ट एक्सरसाइज कर सकते हो. मैं इसे पहन के ट्राई ऑन करूंगी देन यू विल सी हाउ इट लुक्स. मैं पिक्चर लगा दूंगी स्क्रीन पे तो यू कैन सी कि ये इस टाइप से इसका डिजाइन है. दिस इज मेक इन इंडिया एंड दिस इज बाय ब्रांड इली लंडन. आई थिंक दिस इज हाउ इट प्रोनाउंस. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. मटेरियल इज सॉफ्ट एज वेल एज ये बिल्कुल भी थिन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है. दिस इज अ रियली थिक मटेरियल. ये जो जंपसूट है वो इस टाइप के पैकेट में आता है. ये यहाँ पे जिप लॉक दिया हुआ है एंड देन अंदर में जंपसूट था. सो ये इस टाइप के पैकेट में आता है तो रखने में भी आपको काफी ईज होता है. पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी इस ब्रांड की. नाउ आई हैव दिस आइडिया ऑफ आउटफिट कि जब भी मैं कोई लुक क्रिएट करूँ या फिर खुद को स्टाइल करूँ तो अगर मेरे आउटफिट कुछ अच्छा सा आउटफिट मैंने पहन रखा है तो मैं ज्वेलरीज वगैरह मिनिमल रखती हूँ ताकि जो आपका सारा फोकस है वो आपके क्लोदिंग पर आए. सो या ज्वेलरी मैंने इसके लिए भी मिनिमल ही रखा हुआ है. दिस इज द इयररिंग दैट आई एम स्टाइलिंग विद दिस जंपसूट. ये जो है इयररिंग्स ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया है. मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर लेना. आपको अपने विश लिस्ट में ऐड करना है या ऑर्डर करना है तो आप वहां से कर सकते हो. ये पर्ल इयररिंग है आप देख सकते हो. ये फुल हूप इयररिंग्स नहीं है. दिस इज हाफ लाइक अ हाफ मून स्ट्रक्चर. मीडियम साइज के हूप इयररिंग्स है, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग. सो या आउटफिट हो गया, ज्वेलरी हो गई. नाउ इट कम्स टू हैंडबैग. मैंने चूज किया है एक हैंडबैग. दिस इज दिस कैनवास हैंडबैग दैट आई गॉट. ओह माय गॉड लुक एट दिस ब्यूटी. दिस इज अ रियली प्रिटी मून स्ट्रक्चर बैग विच आई गॉट फ्रॉम दैट इको राइट विच इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन. प्रिंट मुझे काफी प्रिटी लगी एंड देन इसका जो दिस स्ट्रक्चर रियली कॉट माई अटेंशन क्योंकि अभी इस टाइप के इस डिजाइन के बैग्स काफी इन ट्रेंड हैं. दिस बैग इज मेड अप ऑफ 100% ऑर्गेनिक कॉटन. सो दिस इज रियली सॉफ्ट सस्टेनेबल एंड वाटर रिपेलेंट. इसकी जो लाइनिंग है ये दिस आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल. सो हाउ कूल इज दैट. दिस इज अ रियली गुड कंट्रीब्यूशन टू नेचर. सो ये जो है इस टाइप के बैग में आया था. आप देख सकते हो दिस इज अ क्लोदिंग बैग. मुझे पैकेजिंग काफी अच्छी लगी. सम काइंड ऑफ लग्जरी पैकेजिंग इट हैज. ये सारे जो ये क्लोदिंग बैग्स एंड ऑल है ये भी रिसाइकल प्रोडक्ट से बने हुए हैं. ये जो क्लोदिंग है दिस ऑल्सो केम अंडर इनसाइड दिस वन. सो ये जो है प्लास्टिक है. इट ऑल्सो सेज आई एम 100% रिसाइकल पैकेज एंड उसके ऊपर ये पेपर कवर था. सो इसकी जो पैकेजिंग है इस ब्रांड की मुझे काफी अच्छी लगी. अगर आप चाहें तो इसके साथ गोल्ड ब्रेसलेट या फिर व्हाइट ब्रेसलेट एज पर योर विश आप स्टाइल कर सकते हो. सो आई विल गो विद सिंपल माय गोल्डन वॉच. एज मैंने बोला कि मैं ज्वेलरी बहुत मिनिमल रखना चाहती हूँ इस आउटफिट के साथ. मूविंग ऑन टू शूज. जो मैंने शूज स्टाइल किया है इसके साथ वो एक्चुअली आई डिडंट ऑर्डर राइट नाउ क्योंकि मेरे पास एक मैचिंग शूज ऑलरेडी था. बट इफ आई गेट द लिंक of this one then I'll add in the description box below. अगर ये इसका लिंक नहीं मिलता है तो मैं मैचिंग जो भी हील्स या शूज होगा उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो या दिस इज द शूज दैट आई एम गोइंग टू स्टाइल विद माई आउटफिट. सो प्लीज इग्नोर ये. इसे मैंने काफी
काफी यूज करा हुआ है तो ये नो डर्टी भी होगा। आई थिंक दिस विल मैच माई आउटफिट रियली वेल, इसलिए मैंने कोई और शूज ऑर्डर नहीं करा क्योंकि आई हैड ऑलरेडी वन। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप उसे किस तरह से एक्सरसाइज करते हो। अगर आप डे टाइम में कहीं जाते हो सो आई वुड से कि आप नो जूलीज वगैरह मिनिमल रखो क्योंकि डे टाइम में ज्यादा तड़क भड़क वाला लुक अच्छा नहीं लगता है। दिस इज माई परसेप्शन। अगर नाइट में आप इसे स्टाइल करना चाहते हो देन यू कैन यू नो एम्प अप योर लुक बाय एक्सरसाइजिंग मोर एंड मोर और आउटफिट को नो डिफरेंट टाइप से लेयर कर सकते हो। सो या गाइस, दिस इज द फाइनल लुक दैट आई हैव स्टाइल्ड। सो ये जो मैंने मिनिमल एक्सेसरीज एंड शूज के साथ इस आउटफिट को स्टाइल किया है, आई थिंक दिस हैज कम आउट रियली प्रिटी। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स इसके साथ एक्यूमुलेट किए हैं, बीट शूज, एक्सेसरीज एंड बैग, आई थिंक आई हैव डन अ रियली गुड जॉब गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस लुक। अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है देन प्लीज फॉलो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बार। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। I'll meet you guys in my next video. Bye.